हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन लोग स्टीरियो केमिस्ट्री के अंतर्गत ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को पढ़ेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है, कौन से यौगिक ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं, उनके लिए क्या क्या शर्तें हैं, किस तरह से इनका नॉमनक्लेचर किया जाता है। बहुत सारे असंतृप्त यौगिक जिनमें त्रि सहसंयोजी ट्राइवेलेंट या चतु सहसंयोजी टेट्रावेलेंट परमाणुओं के मध्य डबल बॉन्ड उपस्थित होता है, एक विशिष्ट प्रकार की समावयवता प्रदर्शित करते हैं जिसमें समावयवियों में प्रतिस्थापियों का त्रिविम विन्यास ज्यामितीय रूप से भिन्न होता है। इस समावयवता को ज्यामितीय समावयवता कहते हैं। ज्यामितीय समावयवता का मुख्य कारण जो है वो डबल बॉन्ड की प्रेजेंस है। डबल बॉन्ड की उपस्थिति के कारण से दो कार्बन के बीच का जो फ्री रोटेशन है वो प्रतिबंधित हो जाता है। ज्यामितीय समावयवता के लिए दो शर्तें आवश्यक हैं। सबसे पहला तो क्या है कि यौगिक में द्विबंध का होना, डबल बॉन्ड होना चाहिए दो एक। जब यौगिक में द्विबंध आ जाता है तो उसका अक्षपण घूर्णन संभव नहीं होता। एकल बंद वाले यौगिकों में अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि एकल बंद वाले यौगिकों में क्या है, अराउंड द एक्सेस फ्री रोटेशन के कारण से एक संरूपण आसानी से दूसरे संरूपण में कन्फर्मेशन में परिवर्तित हो जाता है। परंतु जब अणु में द्विबंध आ जाए तो मुक्त घूर्णन संभव नहीं होता, इसे प्रतिबंधित घूर्णन कहते हैं। इसको समझने के लिए अपन ने एक तत्तातील मॉडल है कि दो तत्ते ले लिए अपन ने हार्ड बोल्ट्स और उनको एक तरफ से मार्किंग कर दी उनकी और उनको एक कील के द्वारा कील में डाल दिया दोनों को। तो अपन देखते हैं जरा इनके बीच में सिंगल वो है पिन, तब तो ये क्या है रोटेट हो जाएगा और इसका मार्किंग वाला एक का सिरा दूसरी तरफ चला जाता है। लेकिन अगर अपन इनके बीच में दो पिन डाल दें तब फिर इसका फ्री रोटेशन जो है वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, प्रतिबंधित हो जाता है। तो ऐसे ही यौगिक जिनमें द्विबंध उपस्थित होता है ये ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं। ज्यामितीय समावयवता में द्विबंध पर लगे समान समूह एक तरफ हो तो वो समपक्ष या सिस कहलाता है, और समान समूह अगर विकर्णी या विपरीत हो तो ऐसे समावयवियों को विपक्ष या ट्रांस समावयवी कहते हैं। समपक्ष और विपक्ष समावयवियों के कारण ज्यामितीय समावयवता को समपक्ष विपक्ष समावयवता भी कहते हैं। दूसरी जो कंडीशन है इसके लिए, पहली तो क्या है कि यौगिक में द्विबंध का होना चाहिए, और दूसरा ये है कि ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करने वाला जो द्विबंधित कार्बन परमाणु है उसकी दोनों संयोजकताएँ समान समूह से न जुड़ी हों। जैसे यहाँ पर है C के दोनों तरफ A जुड़ा हुआ है, इधर चाहे डिफरेंट है लेकिन ये जो है ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा। तो द्विबंध से बंधित जो कार्बन हो उस पर डिफरेंट ग्रुप्स लगे होने चाहिए। इसके कुछ एग्जांपल्स अपन पढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पर अपन एक एग्जांपल है इसका, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इस कार्बन पर ए और बी ग्रुप लगे हुए हैं, इस पर भी ए और बी ग्रुप लगे हुए हैं। तो दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, दोनों कार्बन पर लगे हुए जो दो समूह हैं वो डिफरेंट हैं, तो ये जो है ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करता है। अब अपन इसमें देख रहे हैं दोनों सेम ग्रुप एक ही साइड में है तो हम इसको संपर्क सिस आइसोमेरिज्म बोलेंगे, और यहाँ पर जो है दोनों सेम समूह विकर्ण अवस्था में है या विपरीत अवस्था में है तो इसको हम विपक्ष या ट्रांस समावयवता कहते हैं। उपयुक्त प्रकार की समावयवता जो है बहुत सारे यौगिक प्रदर्शित करते हैं, जैसे आपके डाई हेलो एल्कीन्स हैं, टू ब्यूटीन है, ब्यूटीन डाइओइट एसिड है। ब्यूटीन डाइओइट एसिड के अंदर अपन क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर डबल बॉन्ड कार्बन के एक तरफ सी ओ एच है दूसरी तरफ भी सी ओ एच है, तो इसको तो हम बोलेंगे मैलाइट, जिसमें दोनों कार्बोक्सिलिक समूह जो हैं इस जो है संपक्ष समावयवता है और ये विपक्ष समावयवता है। इसी प्रकार से
टू ब्यूटीनोइक एसिड। इस टू ब्यूटीनोइक एसिड के अंदर दोनों सेम जो समूह हाइड्रोजन वो अगर एक ही साइड हो तो इसको समपक्ष, और दोनों हाइड्रोजन अगर विपरीत साइड में होंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, विपक्ष समावयवता। इसी प्रकार से फेनिल प्रोपिनोइक अम्ल, फेनिल प्रोपिनोइक अम्ल में भी वही हाइड्रोजन दोनों में सेम है, दोनों में हाइड्रोजन विपरीत, एक को एलोसिनेमिक अम्ल और एक को सिनेमिक अम्ल कहा जाता है। इसके अलावा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है कुछ ऑर्जिम्स भी शो करते हैं। जिन यौगिकों में कार्बन नाइट्रोजन द्विबंध होता है वे ज्यामितीय समावयवता दर्शाते हैं। नाइट्रोजन क्या है, ट्राइवेलेंट एलिमेंट है, अतः द्विबंध के बाद उसकी एक ही संयोजकता बचती है। नाइट्रोजन पर जुड़ा हुआ समूह यदि कार्बन पर जुड़े हुए हाइड्रोजन या छोटे एल्किल समूह की ओर होता है तो वह सिन और विपरीत दिशा में होता है तो एंटी समावयवी कहलाता है। जैसे एल्डोजिम है, ये इसमें कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये नाइट्रोजन की एक वैलेंसी है जिस पर OH समूह जुड़ा हुआ है, तो अगर ये हाइड्रोजन की साइड में है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, सिन, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन के विपरीत दिशा में है तो इसको बोलते हैं एंटी। इसी प्रकार से जो कीटो ऑर्जिम्स हैं वो भी सिन और एंटी समावयवता दर्शाते हैं। अगर OH छोटे मैथिल समूह की तरफ है तो सिन, और OH अगर बड़े एल्किल ग्रुप की तरफ है तो इसको एंटी। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन द्विबंध वाले यौगिक भी ज्यामितीय समावयवता दर्शाते हैं। जैसे एजोबेंजीन है, ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, दो फेनिल समूह लगे हुए हैं, अगर दोनों फेनिल समूह एक ही साइड में है तो इसको सिन, और दोनों फेनिल समूह अगर विपरीत साइड में हो तो इसको हम एंटी समावयवी कहते हैं। कुछ जो हैं चक्रीय यौगिक, ये भी दोनों शर्तों का पालन करते हैं, हालांकि उनमें द्विबंध नहीं है लेकिन रिंग के कारण से उनका फ्री रोटेशन नहीं हो पाता, एकल बंध का घूर्णन जो है प्रतिबंधित हो जाता है। जैसे साइक्लोप्रोपेन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोप्रोपेन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में इन दो कार्बन पर दो कार्बोक्सिलिक समूह जुड़े हुए हैं, अगर दोनों एक ही साइड में हो तो इसको सिस, और विपरीत साइड में हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस बोलते हैं। तो इस प्रकार से इनको हम सिस ट्रांस समावयवी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को सिस ट्रांस समावयवता भी कह सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ज्यामितीय समावयवियों के अंदर सिस और ट्रांस समावयवियों में क्या अंतर होता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिस और ट्रांस समावयवियों में अंतर बताइए। तो जो सबसे फर्स्ट डिफरेंस अपन बताते हैं कि सिस जो समावयवी हैं इनके गलनांक निम्न और क्वथनांक उच्च होता है, जबकि ट्रांस समावयवियों में उच्च गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है। सिस जितने भी समावयवी हैं उनमें अंतः अणु हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है, जबकि ट्रांस समावयवियों में अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध होता है। सिस जैसे समावयवी जो हैं जैसे मैलाइट अम्ल, इनको गर्म करने पर साइक्लाइजेशन के द्वारा एनहाइड्राइड्स बन जाते हैं, जबकि ट्रांस समावयवी जो हैं वो एनहाइड्राइड नहीं बनाते। सिस समावयवियों की सिमिट्री कम होती है, ट्रांस समावयवियों की सिमिट्री क्या होती है, अधिक होती है। सिस समावयवियों के घनत्व, परावर्तनांक और डाइपोल मोमेंट के मान उच्च होते हैं, जबकि ट्रांस समावयवियों के घनत्व, परावर्तनांक और डाइपोल मोमेंट के मान जो हैं निम्न होते हैं। तो इस तरह से हम सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उनके अंतर बता सकते हैं। तो अब आप लोगों को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अच्छे से समझ आ गया है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए दो शर्तें हैं। सबसे पहली तो क्या है, उनमें कम से कम एक क्या होना चाहिए, द्विबंध होना चाहिए। कोई ट्राइवेलेंट और टेट्रावेलेंट यौगिक उनके अंदर कम से कम एक डबल बॉन्ड हो, जिससे कि उनका जो फ्री रोटेशन है सिंगल बॉन्ड के अराउंड वो प्रतिबंधित हो जाए, रेस्ट्रिक्टेड हो जाए। दूसरा जो इसके अंदर है कि डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ जो कार्बन है उस पर लगे हुए दोनों समूह जो हैं वो समान नहीं होने चाहिए। अगर दोनों समूह समान हैं
तो वो यौगिक ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करता है। धन्यवाद।